पैसे, दारू का शौक और शबाब के मजे लेना कौन नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, तभी तो लोगों का सपना होता है गोवा जाने का। जी हाँ, गोवा मस्ती और हॉलीडे मनाने के लिए सबसे बेहतर है। यहाँ समंदर और आलीशान होटल से लेकर हर वो चीज मौजूद है जो लोगों को धरती पर स्वर्ग का आनंद दिलाने के लिए जरूरी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोवा की कुछ ऐसी कमाल की चीजों के बारे में, और आज आप घर बैठे ही बैठे पूरा गोवा घूमने का मजा लेने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट अवश्य लगा लें और तैयार हो जाइए हमारे साथ इस अनोखे सफर पर चलने के लिए। लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी गोवा पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों गोवा को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया में ये अपने खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश से लेकर विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो भारत को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। अगर आप गोवा गए हैं तो खूबसूरत बीच, नाइट लाइफ, गोवा के व्यंजन और खरीदारी से जुड़ी जानकारी तो आपको पता होगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बातें अभी बाकी हैं जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा राज्य है। 2011 की जनगणना में 1,45,85,545 लोगों की यहाँ पर जनसंख्या है। मुख्य रूप से राज्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। मडगांव रेलवे स्टेशन के जरिए रेल के माध्यम से राज्य को दूसरे अन्य राज्यों के साथ जोड़ता है, जिसे कोंकण रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। कोंकणी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ के लोग इंग्लिश, हिंदी और मराठी, साथ ही पुर्तगाली भी अच्छी तरह बोलना जानते हैं। राज्य में एकमात्र हवाई अड्डा डाबोलियम है। मुख्य रूप से ये एक मिलिट्री एयरबेस है जिसको INS हंसा कहते हैं। क्या आपको पता है कि गोवा में कितने बीच हैं? छोटे बड़े बीचों की संख्या यहाँ 40 है। पर्यटकों को खास करके मोरजीम, अंजुना, कलंगोट और अश्विन बीच पर घूमने आते हैं। राज्य का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। गोवा प्रति व्यक्ति GDP में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक होने के चलते पहले नंबर पर है। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को भारत ने सैन्य अभियान चलाने के बाद पुर्तगाल से अपने अधीन लिया। पुर्तगाल का लंबे समय तक यहाँ राज रहा, जिसके चलते यहाँ लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान लोगों में खेल के प्रति दीवानगी देखते ही बनती है। पब बार की संख्या यहाँ 10,000 से भी ज्यादा है। ऐसे में सुनने को मिलता है कि यहाँ पानी शराब की तुलना में कहीं ज्यादा महंगा मिलता है। 1619 में निर्मित सी कैथेड्रल चर्च एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है, जो कि ओल्ड गोवा में है। गोवा प्रति व्यक्ति GDP में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक होने के चलते पहले नंबर पर है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में से 12% केवल गोवा में आते हैं। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज 1842 में पणजी में बना था, जो कि एशिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। भारत में सिर्फ गोवा राज्य के नागरिक ही दो पासपोर्ट रख सकते हैं, एक भारतीय और दूसरा पुर्तगाली। दूधसागर झरना, जिसकी ऊंचाई लगभग 311 मीटर है, गोवा में ही है। तो दोस्तों अगर आपको भी गोवा की ये जानकारियां अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। सबसे पहले धन्यवाद।